नमस्कार, आप देख रहे हैं ASR SSC गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश सिंह रावत आपके साथ। मगध यूनिवर्सिटी पाठक का एग्ज़ाम चल रहा है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे होंगे। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी की लापरवाही के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन पेपर से 10 स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख रहे हैं। ये कॉलेज है सिरघाटी का, ऐसा हम नहीं वहाँ के स्टूडेंट और पेपर का आर्टिकल बोल रहा है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पेपर से 10 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया सोमवार को, जो कल आपका एग्ज़ाम हुआ था। और इसका रीज़न ये था कि मगध यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पेपर ज़्यादा अवेलेबल नहीं कराया था उस सेंटर पे, और फोटोकॉपी भी नहीं हो पाया था वहाँ पे स्टूडेंटों को जो क्वेश्चन दिया जाए। तो उसी कारण से एक क्वेश्चन पेपर से 10-10 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे थे। आप सोच सकते हैं क्या रहा होगा वहाँ का माहौल, कैसे स्टूडेंटों ने टाइम मैनेजमेंट किया होगा। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा गलती मगध यूनिवर्सिटी को जाता है। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराना चाहिए ताकि स्टूडेंटों का टाइम मैनेजमेंट सही से हो पाता। जिस भी आप सेंटर पर एग्ज़ाम दे रहे होंगे वहाँ पर आप अपना देखिए कि अगर सेम सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। एक क्वेश्चन पेपर हो और उसको देखने वाले 10 हो, उसके बाद आपको उसका आंसर देना है और कदाचार मुक्त परीक्षा भी हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं किस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मगध यूनिवर्सिटी लगातार लापरवाही करती है स्टूडेंटों के साथ, तो भविष्य में ऐसा कुछ ना करें, ऐसा हमारा एम रहेगा, आप सभी का एम रहेगा। सपोर्ट कीजिए, मगध यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराए हर एक सेंटर पर अच्छे से, ऐसा हम भी चाहते हैं, और आप सभी भी दुआ कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।